हेलो, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं और अंचल जा रही है घूमने के लिए, क्योंकि हम हो गए घर में बैठे बैठे बोर। बहुत दिन हो गए हैं। मेरे को कपड़े लेने हैं, मेरे पास कपड़े नहीं, गरीब बन के जा रहा हूँ। चलो आज हम घूमने फिरने जा रहे हैं। चलो तो हम आप कहाँ जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, तो आपको भी बताते हैं। तो हमारे साथ चलिए और ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। चलो, विशाल मेगा मार्ट बहुत विशाल है। हम पहुंच गए हैं यहाँ पर। आंसर कर रही अपनी फ्रेंड का पेट नमूनी का। हमने उसको पहले न्यू प्लॉट थी, मैं तभी फोन कर दिया। मैंने कहा हम पहुंच गए, मैंने इसलिए नहीं कहा हम पहुंचने वाले, मैंने पहुंच गए तू आ जाओ, तभी नहीं आए। जिससे जब मेरे को घर से निकलने से पहले मैं तेरे घर के बाहर खड़ी हूँ, ऐसा बोलना चाहिए। मुझे लगता तैयार ही नहीं हुई हो। वो तैयार हो गई। ठीक है, तो चलते हैं फिर हम अंदर की तरफ और देखते हैं ऐसे सामान क्या क्या है यहाँ पर। चलिए फिर 1 2 3 4 हाँ चलो क्या वो भी है कंटेनर्स वगैरह। तेरे को फिरना नहीं है, घर पे बैठे पागल नहीं हो रही थी यार। मन बच्चों के कपड़े मार ज्यादा महंगे हैं। तेरे तो ने मेरी भी यहीं से लिया नहीं लेते तो मैंने भी यहीं से लिया। मैं ये देखो तेरे लिए यहाँ से अभी तक मैंने कुछ नहीं लिया। हाँ वो स्वेटर वही तो बोल रहा हूँ। कपड़ों के नशे हो रहे हैं यहाँ पे। आंटी कट नहीं करना, ये नहीं कट, ये ले ब्लाउज। ए ये देखो ये शर्ट क्रॉप टॉप का ब्लाउज ज्यादा लग रहा है, मैं इसको काट लेगा। एक से एक बढ़कर नमूने हमारे इधर। ये अच्छा तो नहीं है ना, मम्मी ले देखना। इसकी हरकत देखो कोई पहले इसकी हरकत मैं तो खुले लेना चाहिए, सिकुड़ जाए तो फिर बंदा टाइट कर देता है ना। ये 99 क्यों लगाते, सीधे 600 नहीं लिख सकते। यहाँ पे आ गए हम खाने वाले सेक्शन पे और अब मम्मी लेगी अपना सामान, हम भरेंगे टोकरी। कर बंद, बच्चों का डाल उठा रही है मम्मी। तो अब आगे यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट बिल्डिंग पे, यानी कि दूसरी वाली बिल्डिंग में आ गए थे देखने के लिए। तो यहाँ पर मैं टॉवल देख रही थी, तो मैं टॉवल जो देख रही थी मतलब लेंथ भी उसकी अच्छी हो लेकिन पानी जो अच्छे से सोख ले ना वो वाला देख रही थी। तो ये वाला टॉवल मुझे अच्छा लगा था और ये पानी सोख भी लेता है बहुत अच्छे, जैसे मैं चाहती थी वैसा ही मुझे यहाँ पर। क्योंकि एक तो टॉवल वैसे देखती हूँ मैं कि जो बॉडी से पानी अच्छी तरह से सोख ले, तो ये वाला टॉवल मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे बहुत सा सामान था लेकिन मेन जो था मैं कुछ और ही लेने के लिए आई थी। तो मैंने लेना था किचन के लिए कंटेनर वगैरह लेने थे। मेरे जो कंटेनर थे वो बहुत से गंदे से हो गए थे और काफ़ी धो के भी, यानी कि ये हो गए थे, लेकिन उनको भी काफ़ी टाइम हो गया था मुझे, 5-6 साल तो हो ही गए थे जो किचन के कंटेनर थे। तो यहाँ पर मुझे फुटमैट दिखे पहले, यहाँ पर देखने लग पड़ी बड़ी। मेरे को लगता है मेरी मम्मी ने स्नेहा को अडॉप्ट कर लिया है। मेरे को इसकी मम्मी के साथ मेरी चल रही होती है, ये मेरी मम्मी को लगी है अपने। क्या देख ठीक है ना, पूछ लो चीजें ही। ये पगड़ा यार, ये पगड़ा को मैं इसका क्या करूँ। मैंने तो यहाँ पर ले लिया मैंने फुट मैट, और क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना मीशो पे अच्छी मिलती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं मॉल में भी अच्छी मिलती है, तो वी मार्ट से भी अच्छी मिल गई। तो यहाँ पे फुट मैट जो है मुझे अच्छे प्राइस में मिल गया और वहाँ पे महंगा था। तो अब आ गई थी मेरी जिस चीज़ के लिए मैं आई थी, कंटेनर के लिए, क्योंकि मैंने मीशो से भी ऑर्डर किया हुआ था और वहाँ से भी मैं मतलब अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही थी अगर मुझे उस प्राइस से यहाँ पर अच्छा मिल जाता है तो मैं वो वाला कैंसिल कर दूँगी। तो लेकिन यहाँ पर लगा मुझे, जब हम अपना हिसाब किताब भी लगे, आगे आप वीडियो में देख रहे हैं कि हम हिसाब किताब भी लगा रहे थे कि क्योंकि अब नेचुरल सी बात है कि इतने तो हम हैं नहीं कि हम जो पूरा कुछ जो है जैसे लिए वैसे पैसे फेंक के और वैसे ही मतलब हर चीज़ ले लें, लेकिन सोच समझ के ही चलना पड़ता है कि जो हमारे बजट में हो। ये मल्टीप्लाई
मैंने कोई थोड़ा सा सामान थोड़ी लेना होता है, जैसे लेना भी हो कुछ भी सामान लेना। अगर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं एक भी चीज ले लूं ना तो भी मैं बहुत ही बजट में लेती हूं, कि यहां पे और मीशो पे और फ्लिपकार्ट पे अमेज़ोन पे मतलब देख के ही लेती हूँ, कि अगर मुझे वहाँ सस्ता पड़ रहा है तो यहाँ नहीं लेना, कि बहुत सा सामान जो था मीशो अमेज़ोन उस पर सस्ता पड़ता है, तो काफ़ी सामान होता है जहाँ पे अच्छा भी मिल जाता है और बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाता है। मैं काफ़ी जो शॉपिंग है वहाँ से ही करती हूँ, तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। वी मार्ट में भी बहुत अच्छा सामान मिलता था, इसलिए मैं यहाँ पर भी आ गई थी लेने के लिए। मैं कहा चलो देख लेती हूँ थोड़ा बहुत जो भी मिलता है ले लेती हूँ जो मुझे अच्छा लगे। तो बार बार हमें वैसे सामान तो बहुत अच्छा था, तो लेकिन जो मुझे चाहिए था वही चीज़ लेने के लिए आई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखना आप भी, तो बस यहाँ पर हम फिर से आ गए थे कंटेनर के पास और देखने लग पड़े थे कि कितने का पड़ेगा। और इसको मैंने कहा कि कैलकुलेटर ले, ये आंचल की फ्रेंड है, कि वहाँ पे देख कैसे कैसे पड़ता है। लेकिन यहाँ पर मुझे जो बजट बहुत महंगा लगा तो मैंने यहाँ से तो कैंसिल कर दिया था। तो यहाँ पर आगे हम फिर आगे खाने वाले पोर्शन पर, इनकी जो सामान खाने के लिए लेना था वो भी हम देखने के लिए यहाँ पर आ गए। तो कुछ बस थोड़ा कुछ ज़्यादा नहीं उठाया, मैक्रोनी वगैरह थोड़ा बहुत लिया हमने यहाँ पे, और जो जनरल सामान होता है वही लिया हमने यहाँ पर। तो जब भी कभी मैं मॉल जाऊँ ना, तो या फिर मैं है क्या, कोई भी लेडीज़ जाती है तो सबसे पहले वो किचन का ही सामान उठाती है, क्योंकि छोटी छोटी सामान होता है, जैसे किचन का कोई भी सामान हो या फिर कोई बाथरूम का या फिर कोई डिश वॉशर वगैरह जो भी होता है ना, हम वही उठाती हैं ज़्यादातर, कि हमें वो ठीक लगता है। यानी कि मेरा तो ये है कि मैं हमेशा, यानी कि जब भी मैं कहीं मॉल जाऊँ या फिर कुछ भी करूँ, मैं अपने लिए जैसे कुछ नहीं, जैसे किचन के लिए हो गया, बच्चों के लिए हो गया, वो सामान उठाती हूँ। तो अपने लिए ना ही कोई मैं ड्रेस देखती हूँ यहाँ पर आके, क्योंकि मुझे कुछ पसंद भी नहीं आती है, लेकिन अच्छी होती हैं यहाँ पर, मैंने देखा ड्रेस बहुत अच्छी होती है। और मैंने बहुत से कपड़े यहाँ से भी लिए हुए हैं तो बहुत अच्छे निकलते हैं, और जैसे कि जितना प्राइस होता उतना हमारे बजट में होता है तो हम ले सकते हैं, तो मुझे तो पसंद आता है। तो वैसे आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आप जब यहाँ पर जैसे किसी मॉल में आए तो आप क्या क्या उठाना पसंद करूँगी। यानी कि सबसे पहले जो लेडीज़ की नज़र होती है ना, सबसे पहले अपनी किचन पे होती है, और किचन वाले ही उसमें जो किचन का जो कॉर्नर होता है ना, उसी में ही जाती हैं सबसे पहले। मैं तो वहीं पर ही जाती हूँ, और बच्चों को तो सिर्फ खाने पीने का ही होता है, वो तो सिर्फ अपना ही देखेंगे कि ये भी ले लेते हैं, वो भी ले लेते हैं, वो भी उठा लेते हैं, क्योंकि उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है, वैसे वो चीज़ यही देखते हैं। और सही बात बताऊँ तो अंचल के जो डैडी है ना, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, मतलब वो हमारे साथ आते ही नहीं है, सीधी बात। वो यहाँ पर क्योंकि उनके तो वैसे समझ नहीं आता है कि क्या चीज़ लेनी है क्या नहीं लेनी, तो फिर आना हो तो मैं ही आती हूँ, और मैं वैसे भी बजट में ही देखती हूँ हर चीज़ की, ताकि हमारे बजट पर हो जाए और ठीक से ठीक रेट में मिल जाए। तो कई सामान जो है यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है, यानी कि मॉल से भी बहुत अच्छा मिलता है। कोई भी तो आगे आजा। देखते हैं हमने क्या क्या लिया। ये देखिए क्या कर रही है ये दोनों, ये क्या कर रही है तुम, पागल हो, दोनों ही पागल है। ये अंचे ये वाला ठीक है ना, दाल दाल ये ठीक होता है, अच्छे हम यूज़ करते हैं। अच्छा होता है, नहीं मैंने तो ऐसे कर पड़ता है, रेड वाला होता है, अच्छा रेड वाला है, अच्छा है रेड, नहीं है यार रेड वाला नहीं है। तो बस फिर यहाँ पे हमने सामान वगैरह अपना ले लिया सामान, और उसके बाद हम निकल गए घर की तरफ। तो थोड़ी देर हम जो है जो आंचल की फ्रेंड है ना, उनके घर पे गए थे, थोड़ी देर के लिए बैठे हम वहाँ पर और चाय पानी वगैरह पिया, फिर वहाँ से हम निकल गए, क्योंकि इसका घर यहाँ पे पास था, तो हमें यहाँ से जो है मेट्रो लेना पड़नी थी, तो हम उसमें जाना पड़ना था हमें, थोड़ा दूरी पर है ये, तो वहाँ से हम गए। तो यहाँ से चले गए हम मंजर की फ्रेंड्स के घर। ये देखा ये है ही पांडी है मेरा था। ये दोनों तो बस फिर इसके घर जाने के बाद हम थोड़ी देर बैठे यहाँ पर, फिर उसके बाद हम गए निकल।
तो बस फिर ये वीडियो आज की यहीं तक ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।